आजमगढ़ के गर्ल्स कॉलेज में छात्रा की मौत का मामला आए दिन नए नए राज उगल रहा है। प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी के बाद जहां प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इकट्ठा हो गया है, वही छात्रा की मौत को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ कई और संगठनों ने भी मिलकर शहर में जुलूस निकाला, तो वही अब इस मामले का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा। बीते दिन पूरे प्रदेश भर में निजी स्कूल बंद रहे। फिलहाल आजमगढ़ स्कूल कांड में पुलिस की जांच जारी है। कई नए सबूत और नए नए एंगल सामने निकल कर के आ रहे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर आजमगढ़ स्कूल कांड है क्या। दरअसल ये पूरा मामला 31 जुलाई का है, जब स्कूल में चेकिंग के दौरान 11वीं की छात्रा के बैग से मोबाइल फोन मिलता है। स्कूल में मोबाइल फोन लेकर आने के चलते छात्रा को काफी डांट फटकार लगाई गई। इसके कुछ दिन बाद प्रिंसिपल के सामने उसकी पेशी की गई। इतना ही नहीं, उसे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर तक खड़ा रखा गया। स्कूल की ओर से छात्रा के घर वालों को फोन अभी किया ही गया था कि इसी बीच प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर खड़ी छात्रा अचानक से सीढ़ियों के जरिए तीसरी मंजिल की ओर चल पड़ी और पलक झपकते ही वहां से कूद गई। इस घटना के बाद से स्कूल में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक छात्रा दम तोड़ चुकी थी। वहीं इस घटना को लेकर आजमगढ़ के एसपी ने बताया कि केस की जांच के लिए एक टीम को गठित किया गया है। शुरुआती बातचीत में ये बात सामने आई है कि छात्रा के पास से मोबाइल मिलने के बाद छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वही घटना के बाद छात्रा को क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया, जहाँ सजा के रूप में उसको ऑफिस के बाहर देर तक खड़ा रखा गया। बताया जा रहा है कि इस घटना से अपमानित महसूस कर रही छात्रा ने अपनी जान दे दी। हालांकि अभी जांच जारी है और आने वाले समय में सबूतों के आधार पर अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है।